हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यामिनी गुप्ता रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी गार्लिक ब्रेड लोफ की रेसिपी। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए एक बोल में 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी गर्म है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। जब तक चीनी मेल्ट होगी, पानी थोड़ा लुकवॉर्म हो जाएगा, तो हमें लुकवॉर्म पानी चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, चीनी मेल्ट हो जाए, फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच ड्राई इंस्टेंट यीस्ट। ये आपको बेकरी की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसे हम साइड में रखेंगे और एक बोल में डालेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच तेल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। इसमें ये बीच में वेल जैसा बनाएंगे और इसमें डालेंगे ड्राई इंस्टेंट यीस्ट का जो मिक्सचर हमने बनाया था। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हम आटा गूंदने के लिए दूध का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैंने 1/4 कप जितना दूध लिया है। आप जो दूध लें, थोड़ा सा लुकवॉर्म रखें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। थोड़ा सा और दूध डाल रही हूँ। जब आप ये आटा गूंदते हैं, तब ये थोड़ा सा स्टिकी होगा और आटा ढीला होगा। जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे, ये सॉफ्ट बन जाएगा और थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा। इसमें टोटल मैंने 1/3 कप दूध डाला है। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसलते रहना है। इस तरह से ये आटा थोड़ा सा स्टिकी होगा। अब इसे हम प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे। इसे इस तरह से हमें स्ट्रेच करके मसलना है। आप देखेंगे कि 5 मिनट में ये बहुत अच्छा सा शाइनी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहीं पे आपको लिखी हुई रेसिपी के लिंक भी मिल जाएगी। देखिए, इस तरह से हम इसे स्ट्रेच करेंगे। इसे जो हमने यीस्ट डाला है वो अच्छे से एक्टिवेट होगा और डो हमारा डबल साइज़ में फूल जाएगा। इसे इस तरह से रोल करेंगे। अब इसे हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। तो सेम बोल में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से हम सारी जगह पे लगा लेंगे। तेल को हम आटे पे भी लगाएंगे और इसे हम ढक कर रखेंगे 1 घंटे के लिए, या ये जब तक डबल साइज़ में हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सीज़न के हिसाब से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे विंटर में बनाते हैं तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और गर्मियों में ये शायद 45 मिनट्स में ही साइज़ में डबल हो जाएगा। इस डो को 2 घंटे लगे थे साइज़ में डबल होने में। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा मसलेंगे। अब हम इसे लोफ का शेप देंगे। ये आप ये भी ध्यान रखिए कि जो ये हमारा डो होगा वो काफ़ी सॉफ्ट होगा। इस तरह से हम इसे शेप देंगे। अब इसे हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। इस टाइम पे आप ओवन को प्री हीट करने के लिए रख सकते हैं 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे। इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा दूध। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और सफ़ेद तेल को मिक्स करके। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन भी बेक कर सकते हैं। फिर इसे हम ढककर रखेंगे 10 मिनट के लिए, जब तक हमारा ओवन प्री हीट होता है। इसे हम बेक करेंगे 160 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए। जब हम इसे ओवन से निकालेंगे तो ऊपर का लेयर थोड़ा सा कड़क होगा। इसके लिए हम लगाएंगे थोड़ा सा दूध, या आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से सारी साइड पर हम दूध लगाएंगे।
इससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसे हम ढकेंगे गीले कपड़े से जब तक ये ब्रेड बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। आधे पौने घंटे में ब्रेड ठंडी हो जाएगी और ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे, तो हल्का सा इसे स्लांट कट करेंगे और इसकी स्लाइस जो हम कट करेंगे थोड़ी सी मोटी रखेंगे। आप चाहें तो इससे चीज़ गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं या आप इससे ब्रुशेटा भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे स्लाइस कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी गार्लिक ब्रेड लोफ बन गया है। ये अच्छे से हर जगह से बेक हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।